अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जो है वो ट्राउज़र डिज़ाइन जो है बनाएंगे, तो एक ही लैस को तीन तरीक़ों से जो है वो मैं आप लोगों को लगाना बताऊंगी। ये मैंने 5.5 इंच जो है चौड़ाई जो है इस कपड़े के लिए और उसको 0.5 चेपी के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लिया है। अब इसको जो है वो टेढ़ा करके जो है इस तरीके साथ तिरछे जो है वो इसको प्रेस कर लेना है, निशान लगा लेने हैं यानी थोड़े थोड़े फासले पे। तो उसके बाद फिर इसको क्रॉस जो है निशान लगाना, यानी कि ये हमारी चौरस डब्बी जो है वो बनती जाएगी। इस तरीके से निशान लगा लेंगे तो उसके बाद प्लेट डालने जो है वो आसान हो जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए इस तरीके के साथ सारे प्लेट जो है वो मैंने निशान जो है वो इस तरीके साथ लगा लिए हैं। अब इसको जो है इन निशानों के ऊपर रख के जो है वो मशीन के साथ जो है वो प्लेट डालेंगे। देखिए एक साइड के जो है वो मुकम्मल हो गए हैं उन्हीं निशानों के ऊपर। अब इस दूसरी साइड से जो है वो प्लेट डालने हैं उन्हीं निशानों के ऊपर रख के। इसी तरीके के साथ मुकम्मल कर लेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करें। तो आप लोगों को आसान तरीके के साथ जो है बताऊंगी कि अगर आप लोगों के पास सीढ़ी लैस जो है वो नहीं है, जॉइंट लैस नहीं है, तो दूसरी लैस को जो है वो हम किस तरीके के साथ जो है इस्तेमाल करके जो है खूबसूरत स्टाइलिश स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो हम बना सकते हैं। अब ये जो है वो मैंने पट्टी ली है तो इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल सीधे प्लेट जो है वो डालने हैं। तकरीबन 2.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। ये देखिए सारी पट्टी के ऊपर जो है वो प्लेट डाली है। अब ये लैस जो है इसको जो है वो ये क्रॉस जिसके ऊपर हमने डब्बी बनाई है इसके दोनों साइडों के ऊपर जो है वो रख के लगाएंगे। ये एक साइड पे लगा लिए हैं, उल्टी रख के लैस जो है वो लगाई है। तो अब इसके दूसरी साइड पे भी रख के सिलाई का मार्जिन जो है वो रखना है, रख के फिर इसके ऊपर जो है वो रख के लगानी है। देखिए कितना शानदार जो है वो ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए स्लीव डिज़ाइन भी बना सकते हैं और दामन डिज़ाइन भी जो है वो बना सकते हैं। देखिए ये मुकम्मल हो गया है दोनों तरफ ला के। अब ये लाइनें जो सीधी रखी हैं इसके ऊपर इसको इस तरीके के साथ रखना है और ये लाइस के जो ट्रायंगल है इनके ऊपर रख के जो है वो सिलाई लगानी है। अगर आप लोगों के पास जॉइंट लैस नहीं है तो देखिए इसी तरीके के साथ मैंने इसी लैस को जो है आप लोगों के सामने जॉइंट लैस बनाना जो है वो सिखा दिया है कि इस शटल सादा शटल को कैसे बना। बहुत ही खूबसूरत जो है वो जॉइंट लैस, ये देखिए उसी लैस को इस्तेमाल करके मैंने इसको जॉइंट लैस आसान तरीके के साथ आप लोगों को बताया कि इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए जो है शटल लैस को जॉइंट लैस भी बना सकते हैं। अब इस पट्टी को जो है वो 1.5 इंच रखना है और इस तरफ पे जो है वो इस तरीके के साथ जो है वो नीचे रख के जो है वो लैस लगानी है। लैस वही है लेकिन लगाई तीन तरीक़ों के साथ है, ट्राउज़र के ऊपर रख के लगा लेंगे। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा चैनल नूर क्रिएशन, दुआ में याद रखिएगा। देखिए इलाके जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब इसके नीचे जो है फोल्डिंग के लिए कपड़ा जो है वो अलग से लगाना है, ऊपर रख के जो है वो सिलाई लगा लेनी है। इसकी जो है वो
कपड़े की फोल्डिंग करके नीचे को तरपाई कर लेंगे। और ये इसको आप प्रेस करके जो है इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी शानदार और डिसेंट सी लुक जो है वो ट्राउज़र डिज़ाइन दे रहा है। इस तरीके के साथ जो है वो हम लोग